अपने ससुर के बारे में बताती हूँ। अब सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते, सास ससुर के मैं साथ हूँ। अगर आप सास ससुर के साथ हो तो सास ससुर के ही बारे में बवाल मचा के उठी हो, वायरल हुई हो, तो सिर्फ और सिर्फ इससे ज़्यादा दादे कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर। तो गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे और मैंने आज आप लोगों से ऐसे बात करती हूँ। आज कोई वीडियो नहीं है, आज कुछ ऐसे ही बात करती हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, सॉरी। और बात यह है कि आप लोगों ने जैसे कहा कि दी आपके वीडियो बराबर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इस टाइम पे वीडियो बराबर नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं मुंबई गई थी और मुंबई से मैं 15 दिन बाद लौटी हूँ और 1 वीक आए हुए हो गए, मगर वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि मैं वीडियो ही नहीं डाल पाई। एक ही वीडियो डाली हूँ और लाइव भी नहीं जा पाई। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि मैं अब लाइव आया करूँगी। लाइव ठीक 2 बजे दोपहर में आऊँगी। आप लोग को प्लीज़ आना है मेरी लाइव में और आके अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों का साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम कुछ कर सकते हैं आगे। तो प्लीज़ गाइस, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, आप लोग आइएगा, वॉच टाइम कंप्लीट की करवाइएगा और वीडियो को इतना ज़्यादा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हो सके तो चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ गाइस, आपसे आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, कुछ खास बात करनी है। खास बात यह है आज मैं बात कर रही हूँ घमौड़ी के बारे में। घमौड़ी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, घमौड़ी ने घमौड़ी के हस्बैंड और घमौड़ी के बीच में आज छः मंथ से, ए बाबू क्या कर रहे हो, पीटेंगे दिख रहा मुझे, तो सॉरी गाइस, वो मेरी बेटी और बेटी मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी इसके लिए मैंने उसको डांटा है। तो गाइस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं आऊँ क्या फ़ोन काट के। तो गाइस मैं क्या बात कर रही थी, आती हूँ अपनी पॉइंट पे, मैं ये बात कर रही थी घमौड़ी के बारे में, घमौड़ी और घमौड़ी के हस्बैंड। अब हस्बैंड अगर आपसे सुलह करना चाहता है तो आप क्यों नहीं सुलह होना चाहती हो, ठीक है। आज 6-7 महीने से YT पे बवाल मचा के रखी हो, आए दिन एक ना एक ड्रामा करती हो और इनके ड्रामे से एक दो यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके घर चलते हैं, जिनके रोटियां सेकती हैं, जिनके डॉलर सेकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं डॉलर सेकते हैं, क्योंकि वो जहां वो इंतज़ार में रहते हैं कि घमौड़ी और घमौड़ी के पति देव के बीच में यानी पीड़ित और पीड़िता के बीच में कुछ ऐसे बवाल हों जिस पे मैं वीडियो बनाऊं और फिर पीड़िता उस वीडियो को अपनी कम्युनिटी पर शेयर करें, बस यही चलता आ रहा है। और अदरवाइज़ अगर वो वीडियो बनाते, अदरवाइज कुछ रिएक्शन देते तो उसका कुछ नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा व्यू नहीं आते, कुछ ज़्यादा बवाल नहीं होता। तो मैं आप लोगों से ये कहती हूँ, पीड़िता और पीड़ित से अब आपके अपने घर के बवाल हैं, अपने घर के अंदर सुलझाइए, अपने 4 दिवाली के अंदर सुलझाइए। इस तरह आप लोग YT पे आके बवाल मचाए हुए हैं, इससे आप लोगों की वजह से और घर बर्बाद हो रहे हैं और कितने हाउसवाइफ हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ हो रही सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की बात अपने तक ही सीमित रखें, इस तरह YT पे जो बवाल मचा के रखे उसको बंद कीजिए। आप अपने नॉर्मल वीडियो लेके आइए, अपने नॉर्मल वीडियो दिखाइए। कभी आप उनके करेक्टर पे उंगली उठाते हो तो कभी वो तुम्हारे करेक्टर पे उंगली उठाते, आप लोग दिखाना क्या चाहते हो, क्या दिखाना क्या चाहते हो, पीड़ित और पीड़िता जिसे मैं पूछूं आप लोग क्या दिखाना चाहते हो। यहाँ YT पे हम जैसे व्यूअर्स या बाकी जो लोग हैं वो क्या देखने आते हैं, आपके ये बवाल नहीं देखने आते। आप बवाल से सबको और ज़्यादा परेशान करके रखियो। अगर आप चाहती हो कि अच्छे वीडियो लेके आओ तो आप अच्छे वीडियो लेके आओ, सामने वाला बंदा कैसा है ये नहीं फ़र्क होना चाहिए, आप कैसी हो ये फ़र्क होना चाहिए, आपकी सोच कैसी है। जो औरत अपने पति का मान सम्मान नहीं कर सकी, अपने पति का कुछ नहीं कर सकी, रात को जो भागी हो अपने घर से, तो वो किसी और का क्या कर सकती है, आप ही सोचिए। हमारी नज़रों में हो या किसी की नज़रों में, वो औरत औरत नहीं है, ठीक है।
आपने अपने पति का इस तरह बवाल किया, इस तरह बवाल मचा के रखा, ये किया वो किया, तो अगर वो थोड़ा बहुत आपके बारे में बोल रहा है तो कुछ गलत नहीं बोल रहा। आपको सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग आपने की। आप अगर आज आपका हस्बैंड आया है वाइटी पर, तो सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार कौन हो? सिर्फ और सिर्फ तुम हो घमोड़ी, सिर्फ हो तुम हो। क्योंकि क्योंकि मैं बताती हूँ, आपका चैनल आज से ठीक 17 महीने पहले आपने जब चैनल बनाया था, उस टाइम पे आप निधि की दुनिया की वीडियो डाल रही थी, उनके बारे में बता रही थी। क्योंकि हर एक छोटा यूट्यूबर दूसरे के बारे में बताता, क्योंकि उससे उसको तो कुछ व्यू इकट्ठा करने रहते और कुछ ज़्यादा उसको सब्सक्राइबर इकट्ठे करने रहते। वही आपने भी किया था। फिर उसके बाद आप कि पहली बताएं, पहली वीडियो कौन सी थी जो वायरल हुई थी, जिसमें आपने? तो आप अपने ससुर के बारे में बताती हो, आप सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते, सास ससुर के मैं साथ हूँ। अगर आप सास ससुर के साथ हो तो सास ससुर के ही बारे में बवाल मचा के उठी हो, वायरल हुई हो, तो सिर्फ और सिर्फ ससुर के बारे में और सास के बारे में। आपने तो अपनी वीडियो में साफ साफ कहा था कि मेरे सास ससुर अब मुझसे, मतलब मेरी सास ससुर मेरी सास से मेरी पटती नहीं थी, मेरी सास ऐसा बोलती थी, मेरी सास वैसा बोलती थी। ये बात आपको याद होगा जब आपने बनाया था ये वीडियो कि मैं अपने ससुर के, मतलब मेरी शादी के 4 दिन बाद में अपने ससुर की रखेल बना दी गई, और ऐसे करके आपने थंबनेल भी लगाया था उसका। उसमें क्या था? उसने आपने बताया था कि मेरी सास ने मुझे गाली दी वगैरह वगैरह। ऐसी कौन सी बात थी? ऐसी तो कोई बात नहीं थी उसमें, उस वीडियो को सब लोगों ने देखा, ऐसे कुछ भी बात नहीं थी, मगर सिर्फ बवाल बवाल बवाल, क्योंकि YT पे आके सिर्फ बवाल ही मचा के रखी हूँ। और दूसरी बात यह है कि दूसरा वीडियो आपका ये वायरल हुआ था कि मेरी ननद ने ये कर लिया। ननद तो बेचारी कब की चली गई थी, उसकी बात YT पे लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर इतनी ही सच्ची होती तो अपने दम पे YT पे काम करती ना, अपने घर की बेइज्जती करके नहीं आती YT पे। और फिर बोली मैं इसमें झूठ क्या बोली हूँ, किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी गई थी, उस माँ को उस भाई को दर्द नहीं होगा? वैसे मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी भी बेटी है, तो इसलिए मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं करूँगी। मगर मैं कहती हूँ, अगर आपकी बहन ने ऐसा किया होता और आपकी अपनी बहन के बारे में आप ऐसा बताती, तो आपकी माँ को कितना बुरा लगता? उसके माँ के जख्म हरे होते कि नहीं होते? अरे कैसी हो, अरे ऐसी औरतों को तो YT से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गंध मचा के रखी। तो गाइस, आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलती हूँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलती हूँ। ये कुछ बातें थी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इन लोगों की वीडियो देख देख के YT पे घूम घूम फिर के घूम फिर के वीडियो इन्हीं लोगों की आती थी। तो बस गाइस, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और जाते जाते एक बात और बोल रहे हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय, गुड बाय।